टॉपिक को चूज करने का मोटिव ये है, आप लोग एज ए कपल स्टूडेंट डिसाइड कर रहे हो यार ये कंट्री चूज करो या ये कंट्री चूज करो, ये किसी प्रोफाइल और के बारे में पता करना है कि कितनी सैलरी हो सकती है। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं इंडिया की हूँ और जर्मनी में रहती हूँ और यूरोप और जर्मनी रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आज टॉपिक देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं सैलरीज इन जर्मनी के बारे में वीडियो बना रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि यार मैं कौन से वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को हेल्प करे बेसिकली, और आपने मुझे बहुत सारे फीडबैक्स दिए, टॉपिक्स लिख के दिए जो आपको जानना चाहते हो आप लोग, प्लस मुझे सेपरेटली बहुत सारे मेल भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो एक चीज़ है ये मुझे बनाना है। अब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज़ जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जस्ट टू हेल्प एवरीवन जिनको भी बहुत सारे डाउट्स हैं। अगेन ये जो टॉपिक है वो मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है हम सब लोगों के लिए। डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जर्मनी में जो सैलरी है वो आपको उतनी ही मिले जितनी इंडिया में मिल रही है, या इंडिया में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप इंडिया को चूज़ करोगे देन दूसरी कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो या फिर दूसरी, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया में इतना खर्चा भी नहीं है, प्लस इंडिया में अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आप इंडिया ही चूज़ करोगे। और ये सैलरी का जो फंडा है ये सब केसेस में सेम ही है। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एज ए कपल आ रहे हो, एज ए स्टूडेंट कुछ कोर्सेज करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, या आपने डिसाइड कर लिया है कि यार मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी के लिए भी कि यार यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है, हाई पेइंग जॉब्स कौन सी होती हैं यहाँ पर आर कितना पैसा मिलता है, इंटर्न्स को यहाँ पर कितना पैसा मिलता है, अगर मैं इस सिटी में जाऊँगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, उस सिटी में जाऊँगा तो कैसे मिलेगा। ये सब चीज़ें जो होती है ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था, जो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, माय फ्रेंड्स एक्सपीरियंस और जो भी मैंने रिसर्च करी है इस वीडियो के लिए उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई डिमांड है, लाइक आपको किसी प्रोफाइल और के बारे में पता करना है कि कितनी सैलरी हो सकती है, तो नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट जो भी सैलरी रिलेटेड वीडियो होगा उसमें मैं आपको वो क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को, लाइक मेरे चैनल को नहीं देखा तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब कर लो, उसको बेल जो नोटिफिकेशन वाले है उसे दबा दो, लाइक कर दो और कमेंट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सेम जो हमारे इंडिया का फंडा होता है टेक होम, कि पैसा टेक होम मनी कितना मिलेगा, वही यहाँ पर भी है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी को यहाँ पर बोलते हैं ब्रूटो गेहाल्ट और नेट सैलरी को बोलते हैं यहाँ पर नेटो गेहाल्ट। तो ग्रॉस सैलरी ओवरऑल जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा जो पूरा होगा विदाउट डिडक्शन, एंड नेट सैलरी इज विथ ऑल द डिडक्शन। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डिडक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ PF डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्ट होता है, यहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटीज टैक्स वो सारी चीज़ें डिडक्ट होते हैं बेस्ड ऑन आपकी कौन सी टैक्स क्लासेस है, आपके हस्बैंड या वाइफ जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्लस आपके चिल्ड्रंस हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। बट फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर आपको ग्रॉस सैलरी 3000 मिली तो सारे डिडक्शन लाइक 35% मैं डिडक्शन देख लेती हूँ, तो 35% के बाद आपके जो पर मंथ अकाउंट में पैसा है वो पर मंथ अराउंड 1950 यूरो पर मंथ आएगा। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन देगा, ओके दिस मच इज द नेट सैलरी और मेरे पर मंथ अकाउंट में इतना पैसा आएगा, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम लोगों के लिए पता करने के लिए वो ये होता है कि हाई पेइंग जॉब्स कौन सी होती हैं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पैसा मिलता है, तो मैं क्या एजुकेशन करूँ, या अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब्स में हूँ, प्रोफाइल में हूँ, तो चलो यार जर्मनी चलते हैं बिकॉज वहाँ तो अच्छा पैसा मिलता है। तो मैं टॉप 5-6 बता देती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जैसे इंडिया में भी होता है डॉक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अर्न करते हैं, अराउंड 99,000 पर एनम
यूरो में बता रही हूँ मैं सारे फिगर्स, उतना अर्न करते हैं। अब बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंस में वो ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, कम भी, बट दिस इज़ द एवरेज सैलरी। अदर देन दैट फिनेंस जो है 77,000 पर एनम के करीब जो है वो अर्न करता है। लॉज वगैरह, लॉ जो भी होती हैं वो वाली इंडस्ट्री में भी लोग अच्छा अर्न करते हैं, अराउंड 70,000। बैंकिंग सेक्टर्स में भी अच्छा अर्न करते हैं, अराउंड 68,000। नाउ आई एम कमिंग जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंजीनियर्स। या गाइस, इंजीनियर्स भी यहाँ पर बहुत अच्छा अर्न करते हैं। हम लोगों के लिए इंजीनियरिंग जो है वो एक कॉमन प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं दे अर्न वेरी गुड, अराउंड 66,000 to 68,000 एवरेज पर एनम। अगेन वो ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा और कुछ लोग कम भी करते हैं, डिपेंड ऑन किस सिटी में कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं, किस प्रोफाइल पे कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से एजुकेशन किया, इन सब के बेसिस पे। बट ये जो है फिगर्स वो मैं आपको बता रही हूँ बेस्ड ऑन माई रिसर्च। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो और आपको जानना है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है तो मैं लिंक दे दूँगी, तो एटलीस्ट आपको इंडस्ट्री वाइज पता चल जाएगा कि कितनी सैलरी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अबाउट द परार। परार के बारे में मैं आपको इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगर आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर में हो, एमबीए किया हुआ है, तो आप पर आर के बेसिस पर कमाने का सोचते भी नहीं हो। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लाइफ डिसीजंस लेते हैं बिकॉज ऑफ एक रीज़न या दूसरे रीज़न की वजह से। वो लोग पर आर बेसिस पर जॉब करते हैं, जिसे बेसिकली पार्ट टाइम या टाइलसाइड जॉब भी बोलते हैं, जो आप पर आर काम करो और उतना आपको पैसा मिलेगा। जो लोगों को बेसिकली अगर फैमिली को टाइम देना होता है या अगर वो कोई कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें फुल टाइम जॉब नहीं करना है, तो यहाँ पर जो पर आर पैसा मिलता है वो अराउंड 9.50 यूरो to 11 यूरो मिलता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो एशियन स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं अपनी एजुकेशन करते हैं तो उस टाइम पे वो इस तरीके की जॉब करते हैं, चाहे वो सुपरमार्केट में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो, या फिर अच्छी कंपनीज में भी इस तरीके की जॉब होती हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि यार आपको फुल टाइम ही जॉब करना है, जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी बात लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। अब हम ये सब बात कर ही रहे हैं और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि सिटी वाइज भी सैलरी जो है वो वेरी करती हैं। अब म्यूनिक और स्टुटगार्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं यहाँ की, तो यहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा होती हैं इन दो सिटीज़ में, और ख़र्चे भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि दोनों का जो बैलेंस है वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ खर्चे कितने होते हैं, उसका वीडियो देखना है तो ऊपर लिंक आ रही होगी, प्लस लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, तो वो भी देख लेना। जो दूसरे टॉपिक्स आएंगे इसी इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ के, उसमें भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर करूँगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। चलो बैक टू टॉपिक। अब लाइक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप किस जोन में रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है आपकी सैलरीज। तो ईस्ट साइड लाइक बर्लिन साइड जो सैलरीज हैं वो जो है कम है देन साउथ साइड। तो साउथ जो है वो बहुत पहले से डेवलप हो गया है, जो ईस्ट जर्मनी है वो थोड़ा लेट डेवलप हुआ है, तो इस वजह से वहाँ जो सैलरीज हैं वो थोड़ी कम है और यहाँ सैलरीज जो है वो ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा हैं और वहाँ पर थोड़े खर्चे भी कम हैं, तो इट्स ऑल बैलेंस। बट एंड रिजल्ट देखा जाए तो अर्निंग यहाँ पर ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम मिल रहा है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी ऑफ हेयर इन जर्मनी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पर इंटर्न्स जो हैं वो भी अच्छा कमाते हैं, लाइक इंटर्न्स को भी पैसे मिलते हैं। तो इंटर्न्स जो है अराउंड 800 यूरो to 1100 यूरो जो है उनको पे करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट स्टेटस पे हो एंड देन यू आर डूइंग द इंटर्नशिप, तो यू विल गेट द मनी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में ही कराएंगे, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। बाकी ये वीडियो होपफुली आपको हेल्प करा हो डिसाइड करने के लिए कि आपको यहाँ पर आना है या नहीं आना। अगर हाँ तो नीचे ज़रूर कमेंट छोड़ना आपको क्या अच्छा लगा, और इस सीरीज़ में मैं और भी अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी जो आप लोगों को पर्टिकुलरली हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए जर्मनी या दूसरी कंट्री, और प्लस जर्मनी में जो लोग रह रहे हैं होपफुली उनको भी ये वीडियो जो है हेल्प करे। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कौन सी सैलरी जानना चाहते हो उसके लिए ज़रूर कमेंट नीचे छोड़ना, वीडियो में क्या अच्छा लगा उसके लिए कमेंट छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम व्हाटएवर यू वांट टू डू। और हाँ।
हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, और जो इन्फॉर्मेटिव सीरीज के अलावा जो मेरी ट्रैवल सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को चीज़ें घुमाती हूँ वो भी देखो, लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी देखो, और बाकी मैं आप लोगों को आई प्रॉमिस यू सारी चीज़ें अबाउट जर्मनी अबाउट यूरोप बताती रहूँगी टाइम टू टाइम। बाय बाय, ठीक है।